इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स वुमेन वर्सेस मुंबई इंडियंस वुमेन्स के बीच में खेले जाने वाले वुमेन्स प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले के बारे में। तो हर मैच की तरह फ्रेंड्स आपको इस मैच के अंदर भी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के अंदर क्लीन स्वीप करना है। तो बस ये पूरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा। देखो इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्रेबोन क्रिकेट स्टेडियम का डिटेल्ड पिच रिपोर्ट, कौन से प्लेयर यहाँ पर आपको अच्छा कर तो दिखेंगे, जब दोनों ही टीम्स आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं तो कौन से प्लेयर अच्छा करते हैं, हर प्लेयर का आपको मैं ए टू जेड स्टैट्स बताऊंगा, बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग ऑर्डर, प्लेयर की स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में हम चर्चा करेंगे, दिल्ली कैपिटल वुमेन्स के बैट्समैन को मुंबई इंडियंस वुमेन्स के कौन से बॉलर आउट कर सकते हैं, सिमिलरली मुंबई इंडियंस वुमेन के बैट्समैन को दिल्ली कैपिटल वुमेन्स के कौन से बॉलर आउट कर सकते हैं। इस मैच के अंदर फ्रेंड्स आपको 5 से 6 अच्छे ऑप्शन देखेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। तो कौन से दो प्लेयर होंगे जो कि कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सबसे परफेक्ट होंगे, जिसको आप वन कैप्टन फॉर्मूला के तौर पे 20 टीम के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। साथ ही फ्रेंड्स आपको 2 से 3 बड़े प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा जिनका सिलेक्शन परसेंटेज काफी ज्यादा आपको हाई देखने को मिलेगा इस मैच के अंदर, वो फ्लॉप होने वाले हैं। और 2 से 3 डिफरेंशियल गेम चेंजर्स के बारे में बात करेंगे जिनका सिलेक्शन परसेंटेज काफी ज्यादा कम है और इस मैच के अंदर आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग क्लीन स्वीप कराने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जरूर सब ज्वाइन कर लीजिएगा। टॉस एंड लाइनअप के बाद इस मैच का फाइनल ग्रैंड लीग स्मॉल लीग टीम टॉस रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, बैटिंग ऑर्डर, बाउंड्री साइज, ग्राउंड डायमेंशन एंड ग्रैंड लीग टिप्स सब कुछ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेंगे। और हर दिन फ्रेंड्स आपके लिए ढेरों सारे फ्री गिवे होते, आप उसके भी बेनिफिट उठा सकते हो। अगर हम अपने रिसेंट मैचेस के रिजल्ट की बात करें, जो लास्ट मुकाबला खेला गया था मुंबई इंडियंस वुमेन और यूपी वुमेन के बीच में, यहां पर फ्रेंड्स हमारे 3 फैमिली मेंबर्स ने मेगा ग्रैंड लीग के अंदर रैंक 2 ला करके फ्रेंड्स यहां पर 9,40,000 की अर्निंग की। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप देखोगे यहां पर जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट ओडीआई मैच खेला गया था, यहां पर भी हमारे फैमिली मेंबर्स ने रैंक 1 ला करके 70 लाख अमाउंट की इन्होंने अर्निंग की। इससे पहले अगर आप देखोगे जो मैच खेला गया था दिल्ली वुमेन और गुजरात वुमेन के बीच में, यहां पर भी हमारे फैमिली मेंबर्स ने रैंक 2 ला करके मेगा ग्रैंड लीग के अंदर 22 लाख अमाउंट की विनिंग की। और आप इसका प्रूफ विनर सेक्शन के अंदर ड्रीमल पे जाकर के चेक कर सकते हो। इससे पहले जो मैच खेला गया था वुमेन्स का यूपी वुमेन और आरसीबी वुमेन के बीच में, इसके अंदर भी हमारे एक फैमिली मेंबर्स ने रैंक 4 ला करके फ्रेंड्स यहां पर 5 लाख अमाउंट की अर्निंग की। उससे पहले फ्रेंड्स अगर आप जाओगे तो ढेरों सारे ऐसे डेली हमारे मेंबर्स मेगा ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग विन कर रहे हैं। तो अगर आपको भी रेगुलर बेसिस फ्रेंड इस तरीके की अर्निंग करने हैं, इस तरीके की विनिंग करने हैं, तो आप टेलीग्राम से जरूर से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मैच एनालिसिस की बात करें, ब्रेबोन क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मुकाबला खेला जाएगा 26 मार्च 2023 को भारतीय समयानुसार 7:30 PM पे। पिच रिपोर्ट की बात करें, पिच आपको यूज्ड देखने को मिलेगा, ऑलरेडी फ्रेंड्स यहां पर 10 मुकाबले खेले जा चुके हैं और यहां के जो पिच है फ्रेंड्स वो बनी हुई है रेड सॉइल से। रेड सॉइल की खासियत क्या होती है, अच्छी खासी गति और अच्छा उछाल आपको देखने को मिलता है, यानी गुड पेस एंड बाउंस आपको देखने को मिलेगा। यहां पर फ्रेंड्स रन बनते हैं, बल्लेबाज बल्ले से हल्ले बोलते हैं, तो आपको बैटिंग फ्रेंडली विकेट सर्विस देखने को मिलेगा, बिकॉज फ्रेंड्स यहां पर बल्ले पे गेंद बहुत अच्छे से आता है और बल्लेबाज को हिटिंग करने में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है। साथ ही में अगर आप बाउंड्री साइज ग्राउंड डायमेंशन देखोगे तो बहुत ज्यादा आपको छोटा नजर आएगा। यहां की सामने वाली बाउंड्री आपको स्ट्रेट बाउंड्री 68 मीटर देखने को मिलेगी, स्क्वायर बाउंड्री की बात करें 57 एंड 49 मीटर की देखने को मिलेगी, लॉन्ग ऑफ एंड लॉन्ग ऑन बाउंड्री की बात करें तो 66 एंड 60 मीटर आपको देखने को मिलेगा। तो बाउंड्री भी छोटा है, साथ ही फ्रेंड्स यहां पर पिच स्लो नहीं है। आपने देखा था डॉक्टर देवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के अंदर पिचेज काफी स्लो हो गए थे जैसे जैसे यहाँ पर टूर्नामेंट आगे की तरफ बढ़ा, लेकिन यहाँ के पिच की अगर बात करें तो ये पिच स्लो नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको इवन बाउंस और इवन आपको पेस देखने को मिलेगा, तो बल्लेबाज ओवरऑल यहाँ पर एंजॉय करते हैं बैटिंग करना। और आप देख सकते हो जो अभी तक 10 मुकाबले खेले गए ऑलमोस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर मैक्सिमम मैचेस के अंदर हमें हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिला है, तो यहाँ पर रन बनते हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स बल्लेबाज इंपॉर्टेंट रहते हैं। साथ ही फ्रेंड्स आपको पिच ड्राई देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको ग्रास बिल्कुल नजर नहीं आएगा, बहुत कम यानी लाइट आपको ग्रास की कवरिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो नई बॉल से जो स्विंग और मोमेंट हमने देखा था डॉक्टर देवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के अंदर, वो चीज़ आपको यहाँ पर मिसिंग नजर आएगी। साथ ही में ज़्यादा आपको मॉइस्चर देखने को नहीं मिलेंगे, ये भी ध्यान में रख करके चलिएगा, पिच बिल्कुल ड्राई है, ठीक है। और यहाँ पर स्पिनर्स गेंदबाज को काफ़ी अच्छा खासा विकेट से टर्न और ग्रिप देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर बात करें तो बैट्समैन और क्वालिटी स्पिनर्स जो फ्रेंड्स पूरे 4 ओवर कंप्लीट बॉलिंग कर रहे हैं और यहाँ पर अच्छे टच में है, उनको आप टीम में पिक करके चलना मैक्सिमम से मैक्सिमम। और साथ ही में आप स्पिनर गेंदबाज को
कैप्टन वाइस कैप्टन भी दे सकते हो ऐसे स्पिनर्स के पास जो कि फ्रेंड नीचे आकर के थोड़ी हिटिंग कर लेते हैं और साथ में पूरे चार ओवर कंप्लीट बॉलिंग करते हैं। और आज के मैच के अंदर ऐसे ढेरों सारे प्लेयर हैं जो कि फ्रेंड डेथ में भी डालते हैं, स्पिन बॉलिंग करते हैं और नीचे आकर के अच्छी हिटिंग भी कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर स्कोर कार्ड देखोगे फ्रेंड जो अभी तक 10 मुकाबले खेले गए हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम मैचेस के अंदर देखोगे तो टारगेट को चेज करने वाली टीम मुकाबले विन की हुई है। इसका एक सिंपल सा रीजन है क्योंकि नाइट मैचेस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ड्यू फैक्टर। तो ये भी मैच नाइट के अंदर खेला जाएगा तो जो भी टीम मेरे हिसाब से टॉस विन करेगी पहले बॉलिंग करना प्रेफर करेगी, बिकॉज फ्रेंड्स यहाँ पर टारगेट चेज करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है जब ड्यू आता है तो, और बॉलिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और ये चीज़ आपने बहुत सारे मैचेस के अंदर देखा होगा। अगर हम बात करें इस ग्राउंड की एवरेज रन पर ओवर की तो प्रति ओवर फ्रेंड्स यहाँ पर लगभग 8 से 9 रन बनते जो कि बहुत डिसेंट है। हमने देखा था डॉक्टर देवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी के अंदर स्टार्टिंग में तो लगभग 9 से 10 रन प्रति ओवर बनते थे, लेकिन जैसे जैसे मुकाबले खेले जाते थे पिचेस के ऊपर पिच बहुत स्लो हो गया था वहाँ का, ठीक है, और वो रन रेट घट करके फ्रेंड्स यहाँ पर 7.5 तक आ गया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा चीज़ नहीं है, यहाँ पर लगभग 8 से 9 रन स्टार्टिंग में ही बनते थे और अभी भी वही हमें देखने को मिलता है। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम फ्रेंड्स खेले के लास्ट के 10 मैचेस के अंदर 4 मैचेस जीती और 6 बार सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती। मैंने रीज़न आपको बता दिया, ड्यू का एक बहुत बड़ा फैक्टर वहाँ पर रहता है। सो इस मैच में फ्रेंड्स आपको ट्राई करना है और सभी क्वालिटी बैटर्स को प्रेफर करना जो अच्छे टच में है, जिनका रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर अच्छा है, एक दूसरे के अगेंस्ट अच्छा हो। साथ ही में फ्रेंड्स आपको ऐसे ऑलराउंडर को कैप्टन वाइस कैप्टन करना है जो बैटिंग के साथ साथ स्पिन बॉलिंग करे, ना कि बैटिंग के साथ साथ फास्ट बॉलिंग करे। जैसे लास्ट मैच हमने ट्राई किया था नेटली शीबर को एज अ कैप्टन 20-20 टीम में और आपने देखा जबरदस्त परफॉर्मेंस रन करके दिया। लेकिन इस मैच के अंदर आप कोशिश कीजिएगा, हेली मैथ्यूज हो गई एक जबरदस्त ऑप्शन है जो कि फ्रेंड्स बैटिंग के साथ साथ स्पिन बॉलिंग करती है। ऐसे आपको ढेरों सारे और प्लेयर के बारे में आगे इस वीडियो के अंदर पता लगेगा। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें जो अभी तक 10 मुकाबले WPL 2023 के अंदर खेले गए, 31 विकेट पेसर्स गेंदबाज को मिले फर्स्ट इनिंग के अंदर 9, सेकंड इनिंग्स के अंदर 22, राइट आर्म पेसर्स 24 एंड लेफ्ट आर्म पेसर्स को ओनली 7 विकेट्स मिले। अगर हम बात करेंगे स्पिनर्स गेंदबाज की तो खेले गए 10 मैचेस के अंदर स्पिनर्स गेंदबाज को 72 विकेट्स मिले फर्स्ट इनिंग के अंदर 48 एंड सेकंड इनिंग्स के अंदर 24, राइट आर्म ऑफ ब्रेक के स्पिनर गेंदबाज को 37 विकेट, लेग ब्रेक के स्पिनर गेंदबाज को 8 विकेट्स, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के स्पिनर गेंदबाज को 27 विकेट एंड लेफ्ट आर्म चेनमैन यहां पर विकेट लेस रहे। जो चीज मैं आपको स्टार्टिंग बता रहा था कि ड्यू का यहां पर इंपैक्ट क्या था खुद ही देख सकते हो। पहले पारी में स्पिनर्स ने बहुत अच्छा किया, ड्यू देखने को नहीं मिलता, लेकिन दूसरी पारी में जैसे ही ड्यू आया स्पिनर्स के यहां पर जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा डीप कर गया। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 50% कम विकेट स्पिनर्स को मिले हैं सेकंड इनिंग्स के अंदर। तो जो टीम पहले बॉलिंग करे उनके आप मैक्सिमम स्पिनर को प्रेफर करना और उनको आप सीबीसी कर सकते हो, ठीक है। लास्ट जो मैच खेला गया था अगर उसकी बात करें बिटवीन यूपी वुमेन एंड दिल्ली कैपिटल्स वुमेन, 3 विकेट फ्रेंड्स यहाँ पर पेसर्स के पास को मिले थे और 7 विकेट फ्रेंड्स यहाँ पर स्पिनर्स के पास को मिला था। तब क्लियरली देख सकते हो, चाहे फ्रेंड्स आप ओवरऑल डाटा देखो या फिर फ्रेंड्स आप लास्ट मुकाबले का डाटा देखो, दोनों जगह आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगा। स्पिनर्स गेंदबाज फ्रेंड्स यहाँ पर डोमिनेट किए, लगभग 2.5 गुना से लेकर 3 गुना ज़्यादा विकेट निकाले हैं पेसर्स गेंदबाज के कंपैरिजन में। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करेंगे जो टोटल में 10 मुकाबले खेले गए इस सीरीज के अंदर, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 4 में जीती, सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम 6 में जीती, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 170 रहा जो कि बहुत डिसेंट स्कोर है। हाईएस्ट स्कोर दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स की टीम ने 223, लोएस्ट स्कोर गुजरात जायंट्स की टीम बनाई 107। स्कोरिंग पैटर्न की बात करेंगे जो टोटल 10 मुकाबले यहाँ पर खेले गए, अगर आप इसकी पैटर्न देखोगे 150 से नीचे 3 टाइम्स स्कोर बने, 150 टू 170 3 टाइम्स स्कोर बने, 170 टू 190 2 टाइम्स स्कोर बने एंड 190 प्लस यहाँ पर 2 टाइम्स स्कोर बने हुए। तो यहाँ पर हमें हाई स्कोरिंग गेम भी देखने को मिला है। वेदर रिपोर्ट की बात करेंगे, वेदर बिल्कुल क्लियर रहेगा, बारिश के मुकाबले के अंदर बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, पूरा मैच फ्रेंड्स आपको होता हुआ नजर आएगा। टीम न्यूज अपडेट्स कोई खास निकल करके नहीं आ रहा है। हेड टू हेड की बात करेंगे, दोनों ही टीम्स टोटल 2 मुकाबले एक दूसरे के अगेंस्ट खेली है, एक मैच मुंबई इंडियंस वुमेन्स की टीम जीती और एक मैच दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स की टीम जीती। अभी बात करते हैं मुंबई इंडियंस टीम की फुल स्टैट्स एंड प्लेयर के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में। सो इस सीरीज के अंदर मुंबई इंडियंस वुमेन्स ने खेले 9 मैच, 7 मैच टीम जीती और 2 मैच टीम हारी। यस्तिका वाटिया टीम की तरफ से ओपनिंग विकेट कीपिंग की ड्यूटी संभालते आपको नजर आएंगी। परफॉर्मेंस की फ्रेंड्स बात करेंगे, हेड टू हेड के अंदर 2 मैच खेले 42 के स्कोर किया 21 की एवरेज से और इस पर्टिकुलर वेन्यू पे 3 मैच 109 रन 36 की बैटिंग एवरेज, यहां पर इनके रिकॉर्ड आपको अच्छे देखने को मिल जाएंगे। रीसेंट परफॉर्मेंस की फ्रेंड्स अगर बात करें तो अच्छे टच में दिखे पूरे टूर्नामेंट के अंदर, हालांकि लक ने इनका थोड़ा बहुत साथ दिया है, लेकिन आज के इस मैच के अंदर आप इनको 20-20 टीम में ट्राई कर सकते हो। बिकॉज फ्रेंड जो सामने की तरफ आपको जो विकेट कीपर बल्लेबाज देखने को मिलेंगे तानिया वाटिया, उनका बैटिंग पोजीशन बहुत नीचे है और बैटिंग से भी वो टोटली आउट ऑफ फॉर्म है। सो आपको स्मॉल लीग के अंदर और ग्रैंड लीग के अंदर दोनों ही टीम्स में फ्रेंड्स आपको यस्तिका वाटिया को प्रेफर करके चलना है। और एक और आपको मैं स्टैट्स बता दूं, विकेट कीपिंग के अंदर सबसे ज्यादा डिसमिसल्स इन्होंने किया है, उसके अंदर रनआउट्स हैं, कैचेज, स्टंपिंग, सब मिलाकर के सबसे ज्यादा किसी विकेट कीपर बल्लेबाज ने डिसमिसल्स किए हैं इस WPL 2023 के अंदर तो यस्तिका वाटिया है। तो विकेट कीपिंग से भी आपको ज्यादा पॉइंट दिला सकते हैं और बैटिंग से
भी ओपनिंग कर रही है और अच्छी टच में भी है। सो इनको आपको 20 टीम्स में पिक करके चलना है। तानिया वाटियो को आप इस मैच में इग्नोर करके चलिएगा। हेली मैथ्यूज टीम की तरफ से ओपनिंग करेंगी, राइट एंड बैटिंग, राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिन बॉलिंग करती हैं और इस मैच के अंदर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है फॉर कैप्टन वाइस कैप्टन क्यों है थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। पहला आप इनका रिकॉर्ड देखिए अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स, 2 मैच 36 रन बल्ले से 4 विकेट्स, बॉलिंग से भी रिकॉर्ड अच्छा है। इस ग्राउंड पर 3 मैच 89 44 के एवरेज और 7 विकेट्स है। अमेजिंग इनके स्टार्ट्स है रिसेंट फॉर्म भी फ्रेंड्स आपका देख सकते हैं, इनका काफी ज्यादा फ्रेंड्स पर बैटर रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट हर मैच के अंदर इन्होंने बल्ले से, गेंद से और फील्डिंग से तीनों से इन्होंने परफॉर्मेंस करके दिया और इस मैच के अंदर आप लोग मैक्सिमम टीम में सीवीसी दे सकते हो। स्मॉल लीग खेलो स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो, ग्रैंड लीग खेलो ग्रैंड लीग में आप इनको ट्राई कर सकते हो। नंबर 3 पर आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे नैटली शेबर। भैया लास्ट मैच में अपनी कैप्टन थी और वन कैप्टन फॉर्मूला मैंने आपको क्लियरली बोला भी था और क्लीन स्वीप हमने किया था, कोई आसपास भी नहीं था, 300-400 पॉइंट्स हमने बीट किया था भैया स्मॉल लीग के अंदर। तो इनके अगर आप रिकॉर्ड देखोगे हेड टू हेड के अंदर 2 मैच 23 और 0 विकेट, इस ग्राउंड पर 8 मैच 291 72 के एवरेज से और 8 विकेट। देखो इनका एक ही खराब रिकॉर्ड है वो है दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट, अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस इन्होंने किया नहीं है ना ही बैटिंग से और ना ही बॉलिंग से, लेकिन इस ग्राउंड पर इनके रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा शानदार रहे हैं और रिसेंट फॉर्म अच्छे। और मैं बता दूँ नॉकआउट मैचेस के अंदर जहां पर प्रेशर होता है, ठीक है, डू और डाई मैच होता है, मस्ट विन गेम, इनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा शानदार रहता है। ठीक है, यानी प्रेशर को इनको हैंडल करना अच्छे से आता है, तो इस मैच के अंदर इंपॉर्टेंट है और आपको फ्रेंड्स यहाँ पर मैक्सिमम टीमें लेना है, 20 आउट ऑफ 20 टीमें इनको पिक करके चलना और आप इनको भी अपने टीम का कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक कर सकते हो। इसके बाद आपको हरमनप्रीत कौर खेलती नजर आएंगी नंबर 4 पोजीशन पर। मैं बता दूं फ्रेंड्स ये बड़ी मैच के प्लेयर है, लास्ट मैच के अंदर मैंने सेम बात रिपीट किया था और आज भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बड़ी मैच के प्लेयर है, बड़े मैच में खेलना इनको अच्छे से आता है, प्रेशर को हैंडल करना इनको अच्छे से आता है। ठीक है, और अगर आप इनके रिकॉर्ड देखोगे शानदार फ्रेंड्स, इनके परफॉर्मेंस इस पूरे सीरीज के अंदर फ्रंट से इन्होंने लीड किया। ठीक है, लास्ट मैच के अंदर भी स्टार्ट अच्छा मिला था लेकिन उसको बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाई थी। अगर आप इनका रिकॉर्ड देखोगे अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स 2 मैच 34 रन 34 की एवरेज से, इस ग्राउंड पर अमेजिंग स्टार्ट्स है, 10 मैच 295 42 की एवरेज से, इस मैच के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीसी के लिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा बट आप लोग फ्रेंड्स इनको एज अ प्लेयर मैक्सिमम टीम में ट्राई करके चलिएगा, चाहे आप लोग स्मॉल लीग खेले और चाहे फ्रेंड्स ग्रैंड लीग खेले, मैक्सिमम टीम आपको प्लेयर के तौर पर ट्राई करना है, कैप्टन वाइस कैप्टन आप इनको अवॉइड कर सकते हो। फिर इसके बाद आपको नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते नजर आएंगी अमलीकर। इनका भी रोल इस मैच के अंदर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है क्योंकि इस ग्राउंड पर इनका रिकॉर्ड सबसे बेस्ट है। मैं दिखाता हूँ, 3 मैच खेली हैं, 6 विकेट निकाली हैं और 19 रन बल्ले से की, गेंदबाजी से काफी देर उन्होंने प्रभावित किया है। हेड टू हेड के अंदर 2 मैच विकेटलेस 8 रन बल्ले से, लेकिन इस मैच के अंदर ये फ्रेंड्स कम से कम 2 विकेट लेंगी। ठीक है, चाहे मुंबई इंडियंस वुमेन्स की टीम पहले बॉलिंग करे तब तो फिक्स है 2 विकेट, सेकंड बॉलिंग भी करेगी तो भी ये विकेट लेकर के जाएंगी। ठीक है, क्योंकि डेथ में बॉलिंग करती है फ्रेंड, 2 ओवर वहां पर इनको विकेट मिल सकते हैं और बैटिंग से भी अच्छे टच में दिखे। लास्ट के 2 मैच आप इनके स्कोर देख सकते हो, सेकंड लास्ट मैच में 31 नॉट आउट प्लस 3 विकेट एंड लास्ट मैच के अंदर 29+0 विकेट 3 ओवर की बॉलिंग, तो इस मैच के अंदर इंपॉर्टेंट है और इनको आप कप्तान वाइस कप्तान जरूर ट्राई कीजिएगा बिकॉज इनको यहां पर मदद मिलेगा क्योंकि पिच फ्रेंड्स यहाँ पर यूज्ड है, पिच थोड़ी बहुत स्लो होगी और यहाँ पर ड्राई पिच होती है, ग्रास बिल्कुल नहीं रहता है, बॉल काफ़ी ज़्यादा टर्न करती है, ग्रिप लेती है, इनको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। आप चाहो तो इनको स्मॉल लीग के अंदर भी ट्राई कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन और ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई करना ही करना, 20 की 20 टीम में रखना, एक टीम में भी इनको ड्रॉप मत कीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नंबर 6 पर बल्लेबाजी करना चलेंगे पूजा वस्त्राकर। फिलहाल के लिए मैं बोलूंगा कि आप इनसे दूरी बना करके चले बिकॉज फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा ये नीचे बल्लेबाजी करें नंबर 6 पे, दूसरा बात बॉलिंग इनसे कराया नहीं जा रहा और शायद बॉलिंग नहीं करेंगे। ठीक, आप देख सकते हो पिछले 3 मैचेस के अंदर इन्होंने बॉलिंग नहीं किया, बैटिंग से थोड़ा बहुत एक छोटी सी कैमियो खेल के दी, तो यहीं आप इनसे उम्मीद कर सकते हो, बड़ी पारी की उम्मीद आप मत करके चलिएगा। ठीक है, और जितना स्कोर करेंगे शायद उतना स्कोर में ये ड्रीम टीम के अंदर ना है, इनसे बेटर ऑप्शन अपने पास अवेलेबल, तो फिलहाल इनसे दूरी बनाकर चलिएगा। रिकॉर्ड की बात करें हेड टू हेड के अंदर 2 मैच 26 1 विकेट और इस ग्राउंड पर 4 मैच 41 और 4 विकेट्स निकाली, बट इस मैच में उम्मीद बहुत कम है बॉलिंग की और बैटिंग से मुझे ज्यादा उम्मीद इनसे है नहीं। आईसीबी लियोन की बात करें हेड टू हेड के अंदर 2 मैच 3 विकेट्स 23 बल्ले से और इस ग्राउंड पर 3 मैच 1 विकेट्स, लास्ट मैच के अंदर मैंने क्लियरली बोला था कि प्लेयर परफॉर्म करके देगी, 4 शानदार विकेट निकाले और फर्स्ट प्लेयर जो कि फ्रेंड WPL 2023 के अंदर हैट्रिक विकेट ली थी। ठीक है, और लास्ट मैच के अंदर हैट्रिक विकेट आया था अगेंस्ट यूपी वॉरियर्स वुमेन्स टीम, तो जबरदस्त टच में है। ठीक है, इनको आपको ट्राई करना है बट ग्रैंड लीग टीम्स में इनको ड्रॉप करना है, डेफिनेटली आप इनको ड्रॉप करके चलोगे। अगर आप 20 टीम से खेल रहे हो तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर इनको 10 टीम में ड्रॉप करने का रिस्क आज के मैच के अंदर ले सकते हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इनको उतना एडवांटेज देखने को नहीं मिलेगा जितना एडवांटेज डॉक्टर दिवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी पे था। ठीक है, पेसर्स के लिए वहाँ पर एडवांटेज थे बट यहाँ पर वो चीज़ बिल्कुल मिसिंग नजर आएगा, तो आप इनको ग्रैंड लीग टीम में ड्रॉप कीजिएगा। स्मॉल लीग के अंदर आप इनको एज अ प्लेयर ट्राई कीजिएगा, सीबीसी ट्राई आज के मैच में मत करना, ना ही स्मॉल लीग के अंदर और ना ही ग्रैंड लीग के अंदर, प्लेयर के तौर पे इनको पिक करके चलना है। अमन जोत कौर की बात करें फिलहाल इन सब दूरी बनाकर चलेगा। बैटिंग पोजीशन काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स इनका आपको नीचे देखने को मिलेगा, साथ ही फ्रेंड्स बॉलिंग की बात करें तो कन्फर्म नहीं है, एक ओवर मिल भी सकता है या फिर एक ओवर भी ना मिले। ठीक है, क्योंकि दिल्ली की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मुझे नहीं लगता कि फ्रेंड्स यहाँ पर
हरमनप्रीत कौर कोई बहुत बड़ी रिस्क लेना चाहेंगे, ठीक है, तो फिलहाल इनको ट्राई नहीं करना है। हुमैरा काजी भी बहुत नीचे बल्लेबाजी करती है और बॉलिंग करने पे फिलहाल इनसे भी दूरी बनाकर चलना है। जिन तमानी कलीटास से भी आपको दूरी बनाकर चलना है, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट मैच में एक ओवर की बॉलिंग मिली थी, बट इस मैच में बहुत कम वो बॉलिंग की उम्मीद है। हेड टू हेड के अंदर दो मैच के लिए कोई रोल ही नहीं रहा, ना तो इनकी बैटिंग आई और ना ही फ्रेंड्स इनसे गेंदबाजी कराएगी। इस ग्राउंड पर तीन मैच के लिए दो रन इन्होंने स्कोर किया, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो भी प्लेयर्स हैं, चाहे मनजोत कौर हो, हुमैरा काजी हो और जिन तमानी कलीटा, आपके लिए देख सकते हो किसी ने भी बॉलिंग नहीं किया है दिल्ली कैपिटल वुमेन्स के, क्योंकि पता है हरमनप्रीत कौर को कि दिल्ली कैपिटल वुमेन्स की टीम एक ऐसी टीम है जो कि यहाँ पर मतलब हमें फाइट बैक दे सकती है, रेजिस्टेंस दिखा सकती है, ठीक है। बिल्कुल आपको कांटे की टक्कर देखने को मिलती है यहाँ पर, आपको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होता नजर नहीं आएगा, सभी मेन बॉलर अपने पूरे स्पेल चार चार ओवर डालते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तीनों से आपको दूरी बनाकर चलना है, और क्यों चलना है रीजन मैंने आपको समझा दिया। सामने दिल्ली की टीम स्ट्रॉन्ग टीम है, तो रिस्क यहाँ पर बड़े मैच में नहीं लेना चाहेंगे। शाइकाई शाह की बात करें फ्रेंड्स, हेड टू हेड के अंदर टू मैच थ्री विकेट्स, इस ग्राउंड पर थ्री मैच फाइव विकेट्स, तो यहाँ पर इनको मदद मिलेगा। इस मैच के अंदर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक से दो विकेट निकाल करके दे सकती हैं, और ग्रैंड लीग में आप चाहो तो इनको वीसी ट्राई कर सकते हो। कैप्टन तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, ग्रैंड लीग में आप इनको वीसी करना, स्मॉल लीग के अंदर बात करें तो आप इनको प्लेयर के तौर पर लेकर के चलिएगा, ठीक है। बेंच से मुझे नहीं लगता कि किसी प्लेयर को यहाँ पर मौका मिलेगा, अगर किसी प्लेयर को मौका मिलता है तो आपको उनका स्टैट्स टेलीग्राम पर हम शेयर कर देंगे, लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में जरूर सब जुड़ जाइएगा। नई बॉल से बॉलिंग डालते आप नजर आएंगे नेटली शेवर, आईजी वॉन्ग, शाइकाई शाक और हेली मैथ्यूस, डेथ बॉलर होंगी हेली मैथ्यूस एक ओवर डालेंगे और एमिली कर दो ओवर, आईजी वॉन्ग आपको डालेंगे डेथ में और शाइकाई शाक एक ओवर। अब हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स टीम के फुल स्टैट्स एंड प्लेयर के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में। दिल्ली कैपिटल्स ने फ्रेंड्स यहाँ पर खेले टोटल आठ मैच, छह मैच टीम जीती, दो मैच टीम हारी और ये डायरेक्ट फाइनल के अंदर पहुंच गई, क्योंकि जो भी टीम पॉइंट टेबल के अंदर रैंक वन पर होती है वो डायरेक्ट फाइनल खेलेगी, और दिल्ली कैपिटल्स ने पॉइंट टेबल के अंदर रैंक वन पे फिनिश की थी। टीम की तरफ से ओपनिंग कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे मैगलेनिंग, जबरदस्त फ्रेंड्स से प्लेयर है और क्या कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है, आप इनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर देख सकते हो, हर मैच के अंदर फ्रेंड्स से डबल डिजिट के अंदर स्कोर की और अपना विकेट जल्दी से नहीं देती है, ठीक है। काफ़ी फ्रेंड्स टेक्निकली साउंड बल्लेबाज है, मतलब वुमेन्स क्रिकेट की विराट कोहली है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स इनके हेड टू हेड स्टैट्स, अमेजिंग स्टैट्स रहे हैं, टू मैच 75 रन अगेंस्ट एमआई वुमेन, इस ग्राउंड पर सेवन मैच 304 रन, यहाँ पर भी जबरदस्त फ्रेंड्स इनके स्टैट्स रहे हैं, ठीक है। सो ये बड़े मैच की प्लेयर है, प्रेशर को हैंडल करना अच्छे से आता है। मैं बता दूं फ्रेंड्स, बहुत बड़ी बड़ी ट्रॉफी एज अ कैप्टन इन्होंने फ्रेंड्स यहाँ पर अपने टीम के लिए विन कराई ऑस्ट्रेलिया के लिए, और आपने देखा होगा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके देंगे आपको बड़े मैच में, क्योंकि बड़े मैच के प्लेयर हैं, तो इनको आपको ट्राई भी करना, और आप चाहो तो इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रन्स बनता है तो ये रन्स कर सकती हैं, आप इनको डेफिनेटली ग्रैंड लीग के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन दे सकते हो, इवन आप चाहो तो स्मॉल लीग के अंदर भी ट्राई कर सकते हो, बट थोड़ा रिस्क होगा। शेफाली वर्मा टीम की तरफ से ओपनिंग करेंगे, टोटली हिट एंड मिस टाइप वाली प्लेयर है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे आप देख सकते हो खराब परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि सामने जब भी क्वालिटी बॉलिंग रहता है परफॉर्म नहीं कर पाती है। टू मैच 35 रन अगेंस्ट एमआई वुमेन, इस ग्राउंड पर सिक्स मैच 198 31 की एवरेज से और वन विकेट निकाली। अगर आप फ्रेंड्स इस सीरीज के अंदर इनके परफॉर्मेंस देखोगे ना तो आपको देखने को क्या मिलेगा, जब भी मतलब स्कोर करती हैं तो अच्छा स्कोर करती हैं, अदरवाइज कुछ करके नहीं देती, जल्दी अपना विकेट खो देती हैं। ऐसे प्लेयर को क्या करना होता है, ग्रैंड लीग टीम बनाइए आप, वहाँ पर एक टीम में कैप्टन दे दीजिए, ठीक है, और मैक्सिमम टीम में ड्रॉप करके चले। इस मैच के अंदर बात करें तो मुझे इंपॉर्टेंट नजर नहीं आ रही, इनको प्रेशर हैंडल करने नहीं आता, बड़े मैच की प्लेयर नहीं है, ठीक है। बड़े मैच में इनका रिकॉर्ड बहुत खराब है, नॉकआउट मैचेस के अंदर, डू और डाई मैच के अंदर ये बहुत बार फेल रही हैं, ये परफॉर्मेंस इनका बहुत खराब रहा। तो फिलहाल के लिए मैं तो ना तो इनको स्मॉल लीग में ट्राई करूंगा और ना ही फ्रेंड्स इनको मैं ग्रैंड लीग में पिक करने वाला हूं, ठीक है। आप इनसे दूरी बनाकर चलेगा, कुछ ग्रैंड लीग टीम्स में ट्राई कीजिएगा और उनको कप्तान दे दीजिएगा एक से दो टीम में, और बाकी मैक्सिमम टीम इनको ड्रॉप करके चलना है। जेमा रोड्रिगेस की बात करें फ्रेंड्स, ये अच्छा कर सकती हैं, बड़े मैच के अंदर इनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, सेमीफाइनल फाइनल मैचेस के अंदर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, हेड टू हेड के अंदर टू मैच 25 रन इस ग्राउंड पे, नाइन मैच 108 रन 15 के एवरेज से, और अगर आप इनका रीसेंट फॉर्म देखोगे तो स्टार्टिंग मैचेस में अच्छा कर रही थी, लेकिन लास्ट के दो तीन मैच में कुछ खास इन्होंने परफॉर्मेंस करके नहीं दिया, थोड़ा सा फ्रेंड्स इन्होंने स्ट्रगल किया मुंबई के अगेंस्ट भी और इस ग्राउंड पर भी। तो फिलहाल स्मॉल लीग के अंदर मैं इनको भी ट्राई नहीं करूंगा, ग्रैंड लीग के अंदर आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मैक्सिमम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर सफाली वर्मा के साथ जाएंगे, बट आप लोग रोटेट कर सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, सफाली वर्मा के प्लेस पे इनको कुछ ग्रैंड लीग टीम्स में ले सकते हो एज अ प्लेयर। मैरिजन के आपको नंबर चार पर बल्लेबाजी करके देंगी। परफॉर्मेंस की बात करें फ्रेंड्स, अगेंस्ट मुंबई इंडियंस वुमेन्स टू मैच टू विकेट्स एंड टू रन बल्ले से गेंदबाजी के अंदर अच्छा किया है, लेकिन बैटिंग से कुछ खास नहीं। इस ग्राउंड पर थ्री मैच 109 रन और वन विकेट, रीसेंट फॉर्म देखोगे रीसेंट फॉर्म इनके ठीक रहे, लेकिन मैं बोलूंगा इस मैच के अंदर मैरिजन कैप का एक से ध्यान रखिएगा, बड़े मैच के प्लेयर है। बता दो चाहे आप वुमेन्स बिग बैस लीग का फाइनल मैच देख लो, चाहे अभी हाल फिलहाल में आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप हुआ था उसका आप फाइनल देख लो,
अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस किया था, ठीक है। तो भले फ्रेंड्स मैं बोलूंगा हेड टू हेड के अंदर थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया है, और जिस पिच पर आज का मैच हो वहाँ पर भी बॉलिंग से उतना प्रभावित नहीं कर पाए। रीज़न क्या है कि पेसर्स को उतना यहाँ पर सफलता नहीं मिलती है, वो ज़्यादा मदद पेसर्स के लिए नहीं है मैं मानता हूँ, लेकिन इस मैच के अंदर आप इनको प्लेयर के तौर पर बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। ये नहीं कि आप इनको ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, आप इनको लेकर के चलोगे और इनको आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन भी देना है, ठीक है, क्योंकि अच्छी प्लेयर है और प्रेशर को हैंडल करना इनको आता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखकर के चलेगा, ठीक है। लेकिन स्मॉल लीग के अंदर आप इनको कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी से अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि इनसे बेस्ट ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है, इनको प्लेयर के तौर पर लेकर के चलना है। इसके बाद आपको अलाइस कैप्सी दिखेंगी नंबर 5 पर फ्रेंड्स बल्लेबाजी करते हुए। अगर हम इनकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे अगेंस्ट एमआई वुमेन 2 मैच 44 रन और 1 विकेट निकाली, इस ग्राउंड पर देखोगे 3 मैच 56 रन और 5 विकेट, अच्छे रिकॉर्ड्स इनके रहे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर्स को हेल्प मिलता है और स्पिनर्स गेंदबाज यहाँ पर रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है, मोस्टली स्पिनर्स लगभग 95% स्पिनर्स यहाँ पर विकेट निकाले हुए, ठीक है। अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे लास्ट मैच के अंदर 34+3 विकेट, उससे पहले भी 38 नॉट आउट के इन्होंने स्कोर किया, उससे पहले भी 22+0 विकेट, और इस मैच के अंदर भी हाई चांस है कि 3 से 4 ओवर बॉलिंग करेंगी और टॉप ऑर्डर के अंदर बल्लेबाजी कर रही है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ग्रैंड लीग के अंदर कप्तान वाइस कप्तान भी दे सकते हो, स्मॉल लीग के अंदर आप इनको एज अ प्लेयर लेकर के जरूर चलिएगा और मैक्सिमम टीम इनको पिक करना है। जैस जोनासन की बात करें फ्रेंड्स हेड टू हेड के अंदर 2 मैच 2 विकेट्स, इस ग्राउंड पर 8 मैच 5 विकेट, रीसेंट फॉर्म इनके अच्छे आपको देखने को मिल जाएंगे, नीचे से आकर अच्छी हिटिंग कर सकती हैं और साथ में फ्रेंड्स आपको पूरे 4 ओवर कंप्लीट बॉलिंग करके देंगे और डेथ में 2 ओवर डालती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट इनका स्पेल रहने वाला है और इनका भी नॉकआउट मैचेस के अंदर डू और डाई मैचेस के अंदर जो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा शानदार रहे, ठीक है। और अभी भी मुझे याद आते हैं जो इंग्लैंड ओमेन और ऑस्ट्रेलिया ओमेन के बीच में फाइनल मैच खेला गया था 50 ओवर फॉर्मेट क्रिकेट का, वहाँ पर फ्रेंड्स इन्होंने नेटली शेवर का कैच पकड़ा था, ठीक है, और वहीं से इनकी टीम जीत पाई थी, अदरवाइज इंग्लैंड ओमेन टीम आराम से उस मैच को विन कर जाती। तो नॉकआउट मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस इनका अच्छे रहे, इनको आपको ट्राई करना है ना सिर्फ एज अ प्लेयर बल्कि इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी देना, आप चाहो तो स्मॉल लीग के अंदर देख सकते हो अगर डेली पहले बॉलिंग करे, क्योंकि पहले बॉलिंग करेगी डेथ में डालेंगे और वहाँ पर विकेट निकालेंगे पक्का, ठीक है। अगर सेकंड बॉलिंग आती है तो आप इनको एज अ प्लेयर लेकर अपनी टीम में जरूर चलिएगा, रोल बहुत इंपॉर्टेंट इनका रहेगा, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में आप कप्तान वाइस कप्तान पिक कर सकते हो। अरुणाधति रेड्डी की बात करें फ्रेंड्स इस मैच के अंदर देख सकते हो कुछ खास मुझे इंपॉर्टेंट नजर नहीं आ रही है, ठीक है, 3 मैच खेली इस ग्राउंड पर 25 रन की 1 विकेट निकाली, हेड टू हेड के अंदर 1 मैच 1 विकेट, बाकी आप इनके रिसेंट परफॉर्मेंस यहाँ पर देख सकते हो। मुझे पर्सनली इस मैच के अंदर इनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, ना ही बैटिंग से और ना ही फ्रेंड्स बॉलिंग से, बॉलिंग से मुझे लगता है 1 से 2 ओवर डलवाएंगे, उससे इनसे नहीं डलवाएंगे, ठीक है। तानिया बाटिया को आपको पिक करना नहीं, काफ़ी ज़्यादा नीचे बल्लेबाजी करती हैं और परफॉर्मेंस भी काफ़ी इनके शानदार है, ना ही स्मॉल लीग के अंदर पिक करो ना ही ग्रैंड लीग के अंदर। राधा यादव की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, इन्होंने फ्रेंड्स मुंबई इंडियंस वुमेंस किंग्स 2 मैच खेली, विकेट ले रही है इस ग्राउंड पर 8 मैच 6 विकेट, तो यहाँ पर इनको हेल्प मिल सकता है, लास्ट मैच के अंदर शानदार 2 विकेट निकाले और यहां पर भी 1 से 2 विकेट निकाल करके दे सकती हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बट आपको इनको क्या करना प्लेयर के तौर पे ट्राई करना है, ठीक है, स्मॉल लीग के अंदर भी कर सकते हो और ग्रैंड लीग के अंदर भी आप इनको प्लेयर के तौर पे कर सकते हो। शिखा पांडे की बात करें फ्रेंड्स, इस मैच के अंदर मुझे इनका रोल काफ़ी कम नजर आ रहा है, इस ग्राउंड पर 4 मैच खेले 1 विकेट सिर्फ निकाल पाई हैं, हेड टू हेड के अंदर 2 मैच 2 विकेट, यहाँ पर इनको ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगा। इनका मेन रोल क्या है, स्विंग कराना, नई बॉल से विकेट निकालने के लिए जानी जाती है और यहाँ पर वो चीज़ सब कुछ मिसिंग नजर आएगा, ठीक है। डेथ में पता नहीं इनसे बॉलिंग कराया जाएगा नहीं कराया जाएगा, क्योंकि स्पिनर्स यहाँ पर अच्छा करते हैं, तो हो सकता है कि इस मैच के अंदर स्पिनर्स अपने पूरे स्पेल डाल दे, जैसे लास्ट मैच के अंदर हम देखा था ब्रेबोन के अंदर 4 ओवर यहाँ पर डाल दी थी राधा यादव, बट शिखा पांडे स्टार्टिंग स्पेल में महंगे साबित और इनसे सिर्फ 2 ओवर ही कराया गया, तो यहाँ पर इनका ओवर भी कट हो सकते हैं अगर इनको पहले ही स्पेल में मार पड़ जाता है और विकेट भी थोड़ा सा यहाँ पर इनको मिलने का चांसेस कम दिख रहा है। पूनम यादव की बात करें फ्रेंड, लास्ट मैच के अंदर इनसे बिल्कुल भी बॉलिंग कराया ही नहीं गया, ठीक है, इनका कोई रोल नहीं रहा था, उससे पहले अगर आप जाओगे तो फिर 1 ओवर, उससे पहले जाओगे तो फिर 2 ओवर की इनसे सिर्फ गेंदबाजी कराई गई, तो अभी तक इनका प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया गया, तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं बोलूँगा बस यही कि आप इनको 20 टीम से खेल रहे हो 1 से 2 ग्रैंड लीग टीमें ट्राई कर लेना, अगर ये खेलती हैं बड़े मैच की प्लेयर यार, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और अच्छी बॉलिंग इन्होंने इस पूरे सीरीज के अंदर अब तक किया, लेकिन इनको बॉलिंग मिला ही नहीं है और बॉलिंग नहीं मिलेगा तो फिर वेस्ट पिक हो जाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 20 टीम से खेल रहे हो तो सिर्फ 1 से 2 टीम में प्लेयर के तौर पर लीजिएगा, बाकी टीम में इनको ड्रॉप करके चलना है, क्योंकि मैग लेनिंग इनका अच्छे तरीके से यूज नहीं कर रही, इनको मौका नहीं दे रही है। हेड टू हेड के अंदर 1 मैच विकेटलेस और इस ग्राउंड पर 6 मैच 4 विकेट निकालिए। इसके अलावा और किसी प्लेयर को मौका मिलता है, कोई प्लेयर अगर बेंच से खेलता है तो उसका स्टैट्स आपको हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे टॉस एंड लाइनअप्स के बाद, तो टेलीग्राम पर जरूर आप जुड़ जाइएगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मिल जाएगा। ओपन डेथ बॉलर नई बॉल से बॉलिंग करेंगे जैस जोनाशन, अलाइस केप्सी, शिखा पांडे, मैरजन कैप और राधा यादव। देखो इस मैच के अंदर मुझे लगता है कि अलाइस केप्सी को बॉलिंग डालना चाहिए, राधा यादव शायद नई बॉल से नहीं करेंगे, राधा तो टब डालती हैं बॉलिंग नई बॉल से जब सामने राइट हैंडर्स हो, अलाइस केप्सी का तब यूज़ किया जाता है नई बॉल से जब सामने लेफ्ट हैंडर हो, इस मैच के अंदर मुंबई इंडियंस के पास यस्तिका वाटे के रूप में एक लेफ्ट हैंडर है, तो मुझे लगता है अलाइस केप्सी आपको नई बॉल से बॉलिंग करेंगे, राधा यादव आफ्टर पावर प्ले बॉलिंग करते आपको नजर आएंगे। डेथ बॉलर जैस जोनासन ये तो बिल्कुल फिक्स है, अलाइस केप्सी आपको दिख सकती है, शिखा पांडे और राधा यादव में से कोई एक डाल सकता है डेथ ओवर्स के अंदर। इस मैच के अंदर मुझे
पॉसिबिलिटी हाई लग रही है राधा यादव की, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर्स को हेल्प मिलता है और राधा यादव ने अच्छी बॉलिंग की थी लास्ट मैच के अंदर। प्लेयर बैटल डिटेल मैचअप्स की बात करें, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एमआई वुमेन बैट्समैन वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स वुमेन बॉलर्स। यस्तिका वाटे का स्ट्रगल आप देख सकते हो, मैरजन का एक बार आउट कर चुकी है, एक बार जैस जोनाशन और एक बार तारा नोरिस आउट कर चुकी है, बट स्टिल विकेट कीपिंग सेक्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, तो फिलहाल इनको ही आपको पिक करके चलना है। हेली मैथ्यूज की बात करें, मैरजन कैप चार बार आउट कर चुकी है, एलाइस केप्सी एक बार, जैस जोनाशन दो बार इनको आउट किया, शिखा पांडे के अगेंस्ट उतना स्ट्रगल नहीं है मैं बोलूंगा, बाकी और किसी के अगेंस्ट अभी तक आउट नहीं हो पाई है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स यहाँ पर मैरजन कैप वाला भी थ्रेट कोई बड़ा नहीं होगा, इनको संभल कर बल्लेबाजी करना पड़ेगा स्पेशली जैस जोनाशन के अगेंस्ट, क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट काफी ज्यादा इन्होंने हाल फिलहाल में स्ट्रगल किया है। नेटली शिवर की फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ तो इनको पांच बार यहाँ पर मैरजन कैप आउट कर चुकी है, एलाइस केप्सी के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड बढ़िया है, इसके अलावा पांच बार जैस जोनाशन आउट कर चुकी है, राधा यादव ने दो बार आउट किया और बाकी सभी गेंदबाजों के इनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। तो दोनों ही प्लेयर का सेम स्ट्रगल है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, इनको भी फ्रेंड्स यहाँ पर जैस जोनाशन से बच के रहना पड़ेगा और नई बॉल से मैरजन कैप, क्योंकि मैरजन कैप फ्रेंड्स यहाँ पर अगर पीच पे ज़्यादा यहाँ पर मदद ना भी हो फिर भी वो स्विंग कराने के लिए जानी जाती है, ठीक है, वो किसी विकेट पे बॉल को स्विंग करा सके, क्योंकि उनका मेन काम वही है, ठीक है, अंदर भी बॉल को लेकर आती है बाहर भी लेकर जाती है। तो स्टार्टिंग में मैरजन कैप के स्पेल को अच्छे से खेलना पड़ेगा। इसके बाद हरमनप्रीत कौर का आप देख सकते हो, इनका जो स्ट्रगल फ्रेंड्स रहा है वो रहा है अपना जैस जोनाशन अगेंस्ट, अगेन चार बार आउट कर चुकी जैस जोनाशन और साथ में मैरजन कैप ने तीन बार आउट किया, तो मैरजन कैप मुझे लगता है कि इनको परेशान कर पाएंगे, क्योंकि जब तक ये आएंगे खेलने शायद मैरजन कैप का स्पेल खत्म हो गया फिर एक ओवर बचाओ, ठीक है, और तब तक उतना स्विंग मिलेगा नहीं। तो जैस जोनाशन थ्रेट होंगे, राधा यादव ने दो बार आउट किया और एक बार इनको शिखा पांडे भी मुझे लगता है कि कोई थ्रेट इनके लिए रहेंगे, राधा यादव और जैस जोनाशन के संभल के बल्लेबाजी करना पड़ेगा। अमेलिया कर के लिए भी थ्रेट सबसे बड़ी जैस जोनाशन ही है और देख सकते हो इस मैच में जोनाशन कितना इंपॉर्टेंट है, आप कैप्टन वाइस जरूर ट्राई कीजिए अगर पहले दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स की टीम बॉलिंग करती है, क्योंकि डेथ में डालेंगे और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। अब हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स बैट्समैन वर्सेस मुंबई इंडियंस वुमेन बॉलर्स। मैग लेनिंग का आप देख सकते हो, इनका जो स्ट्रगल रहा है, अमेलिया कर के अगेंस्ट सिक्स टाइम्स आउट कर चुकी है, लेकिन स्टार्टिंग में अमेलिया कर बॉलिंग नहीं करती, पावर प्ले के बाद बॉलिंग करती हैं, तब तक मैग लेनिंग सेट हो जाएंगी तो आपको कुछ ना कुछ रन्स करके दे देंगे जिससे ड्रीम टीम में रहें, ठीक है। दो बार नेटली सिवन आउट की, बट बहुत बड़ा ये मैचअप नहीं है, आईजी वोंग आउट कर सकती हैं विद द न्यू बॉल, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा आईजी वोंग को हेल्प नहीं मिलेगा, तो ये भी मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा थ्रेट होगा। साइका ईशा के ऊपर आउट कर चुकी हैं, तो इनके थोड़ा सा संभल कर बल्लेबाजी करना पड़ेगा, क्योंकि स्पिनर्स को यहाँ पर हेल्प मिलेगा और साइका ईशा का इस मैच के अंदर विद द न्यू बॉल यूज़ किया जा सकता है। शेफाली वर्मा को फ्रेंड्स हेली मैथ्यूज एक बार आउट कर चुकी है, दो बार अमेलिया कर, एक बार आईजी वोंग, एक बार साइका ईशा, तो शेफाली वर्मा के लिए इस मैच का परफॉर्मेंस करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के स्ट्रगल करती है, नई बॉल्स वो भी देखने को मिलेगा, आईसी यू ने भी परेशान किया और इवन फ्रेंड्स इनको पावर प्ले के बाद अमेलिया कर से आमना सामना होगा, वहाँ पर भी इनका स्ट्रगल देखने को मिला है। मैरजन कैप की बात करें, हेली मैथ्यूज फाइव टाइम्स आउट कर चुकी हैं और इसके अलावा आप देखोगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर और कोई बड़ा स्ट्रगल मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, तो हेली मैथ्यूज इनके लिए थ्रेट होंगी, बाकी आईसी यू एक बार आउट किए हैं और एक बार नेटली शिवर ने इनको आउट किया हुआ है। जेमर रोड्रिगेज की बात करें, इनको फ्रेंड्स तीन बार हेली मैथ्यूज ने आउट किया, दो बार इनको अमेलिया कर आउट किया और एक बार साइका इशाक ने इनको आउट किया हुआ है। और जब जेम्मा रोड्रिगेज खेलने आएंगे तो तीनों गेंदबाज सामने से बॉलिंग कर रही होंगी, सो थोड़ा मुश्किल रहेगा जेम्मा के लिए इस मैच के अंदर बड़ा स्कोर करना। फिलहाल के लिए मेरी टीम कॉम्बिनेशन, बट ये मेरा फाइनल टीम बिल्कुल भी नहीं है, जो भी मेरा फाइनल टीम होगा टॉस एंड लाइनअप्स के बाद आप सभी को मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। इस मैच का ग्रैंड लीग स्मॉल लीग का टीम टॉस रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, बैटिंग ऑर्डर, बाउंड्री साइज, ग्राउंड डायमेंशन एंड डेली ढेर सारे फ्री गिवे होते हैं, सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, बिल्कुल 100% फ्री चैनल है। लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन और कमेंट मिलेगा, लिंक पर क्लिक कीजिए और फटाक से टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। विकेट कीपिंग सेक्शन से यस्तिका वाटिया को प्रेफर करके चल रहा हूँ, यही बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज तानिया वाटिया काफी नीचे बल्लेबाजी करती हैं और प्लस आउट ऑफ फॉर्म है। बैटिंग सेक्शन से कंसिस्टेंट मैग लेनिंग को प्रेफर किया है। हरमनप्रीत कौर आपको मेरी टीम में देखने को मिल जाएंगे, दोनों ही प्लेयर बड़ी मैच के प्लेयर है और फ्रेंड्स नॉकआउट मैचेस के अंदर इनके रिकॉर्ड शानदार है, प्रेशर को अच्छे से हैंडल करना आता है, डू और डाई मैचेस के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस ये करती हैं। ऑलराउंडर सेक्शन से जैस जोनाशन, हेली मैथ्यूज, नेटली शिवर, मैरजन कैप, अमेलिकर और एलाइस केप्सी को प्रेफर करके चल रहा हूँ। कैप्टन है मेरी टीम की हेली मैथ्यूज, वाइस कैप्टन मैंने पिक किया नेटली शिवर को। अदर ऑप्शन की बात करें फॉर कैप्टन वाइस कैप्टन, जैस जोनाशन एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, दिल्ली कैपिटल वुमेन्स की टीम पहले बॉलिंग करती है तब, क्योंकि डेथ में बॉलिंग करेंगी दो बार और नीचे आकर अच्छी हिटिंग कर सकती है। अमेलिकर एक और शानदार ऑप्शन हो सकती है, बिकॉज नंबर पांच पर बल्लेबाजी करती है, पूरे चार बार कंप्लीट बॉलिंग करेंगी और दो बार डेथ में डालती है। एलाइस केप्सी एक और बेस्ट ऑप्शन है, नंबर चार या फिर नंबर पांच पर बल्लेबाजी करेंगी, प्लस फ्रेंड्स आपको तीन से चार बार की बॉलिंग करके देंगी। बॉलिंग सेक्शन से आईजी वोंग को ट्राई करके चल रहा हूं, लास्ट रन में चार विकेट निकाली थी और फर्स्ट हैट्रिक डब्ल्यूपीएल के अंदर इन्होंने ही
लिया। शाइका इशाक आपको हमारी टीम में देखने को मिल जाएंगी। अदर बेस्ट ऑप्शन की बात करें, राधा यादव एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है बॉलिंग सेक्शन में, तो आप उनको अपनी टीम के अंदर पिक करना चाहो कर सकते हो। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको हर वीडियो की तरह ये भी वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको फ्रेंड्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से आप ऑल पे कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट आपको टाइमली मिल सकेगा। और साथ ही में फ्रेंड्स हम लाइव आएंगे इस मैच के लिए 6 PM, तो आप लोग लाइव सेशन को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें।